दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। कुख्यात इंटरनेशनल मोबाइल तस्कर शरद गोस्वामी गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी चकमा देकर भाग निकला। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों की शिनाख्त कुख्यात अरशद वह शाहरुख के रूप में हुई है। अरशद दिल्ली गेट मेरठ थाने से गैंगस्टर में वांटेड चला आ रहा था। पुलिस से उनकी मुठभेड़ मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में हुई है। यह गैंग महंगे मोबाइल लूटकर नेपाल आदि में उनकी तस्करी करता है। शरद गोस्वामी इन दिनों जेल में है। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। इस बारे में SP क्राइम अनित कुमार ने यह जानकारी दी। ये मेडिकल थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों का मूवमेंट है, उसी में टीम यहाँ पर लगी हुई थी। मेडिकल थाना क्षेत्र की और SOG की टीम है धर्मेंद्र के अंडर। इन लोगों ने बदमाशों को इंटरसेप्ट किया, उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, उनको अरेस्ट किया गया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें से एक बदमाश थाना दिल्ली गेट से वांटेड चल रहा था गैंगस्टर के मामले में। ये शरद गोस्वामी गैंग का वांटेड है अरशद, और उसका साथी है दूसरा। एक बदमाश इसमें फरार हो गया जिसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और एक मौके से फरार हुआ जिसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। ये भी इनाम तो इन पर नहीं है, पर ये गैंगस्टर में एक वांटेड था और ये शरद गोस्वामी गैंग से जुड़ा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।